को फांसी पर लटका दूंगा, जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर पुलिस पर बरस पड़े, आप इतने ताकतवर हो गए कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से कहा गया, तीन शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, गैर कानूनी हिरासत में रखे तीनों अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने गैर कानूनी हिरासत में रखे तीन शहरियों को फौरी तौर पर रहा करने का अहकाम सादर कर दिया है, जबकि अदालत ने रिमार्क दिए पुलिस बदमाश बन चुकी है, बदमाश करने वाले पुलिस अफसरों के स्नेक में नहीं रहने देंगे। जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के रूबरू अदालती हुक्म में पुलिस ने तीनों महबूब अफराद को पेश कर दिया, जबकि दरखास्तदारों के वकील फैसल इकबाल बाजवा ने बताया कि पुलिस दरखास्तदारों के दो भाइयों एक जो बेटे को घर में घुसकर पकड़ कर ले गए। अदालती बेलफ ने बताया कि इसके लिए पुलिस ने तीनों अफराद को थाना बाटापुर और थाना मनावा पुलिस ने जो एसके पुलिस के हवाले किए थे, जिस पर अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि पुलिस जो है वो बदमाश बन चुकी है, अदालत ऐसे पुलिस अफसरों को किसी सूरत भी महकमे में नहीं रहने देगी। जबकि अदालती हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशन ने अदालत में पेश होकर गैर महसूस तौर पर माफी मांग ली, जिस पर अदालत ने केस की मजीद 5 साल तक से मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें।